हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक के TGB कलर को देखने के बाद अब बारी आती है कि आप देखें स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक का BBK कलर। अब आप पूछेंगे कि भाई ये BBK क्या है और इसमें आप देखेंगे कि ये TGB क्या है, तो ये इनका कलर कोड है। हीरो कंपनी की जो भी बाइक होती है उनमें जो ये पीछे लगा होता है इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग और इनके कलर कोड यहाँ पर दिए गए रहते हैं। तो ये है टोरंटो ग्रे कलर और आप ये देखेंगे तो ये है ब्लैक ब्लू कलर। अब मैं आपको दोनों बाइक एक साथ दिखा रहा हूँ जिससे अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक को लेकर कि कौन से कलर की बाइक खरीदी जाए तो आप मेरी इस वीडियो से पूरी जानकारी कर पाएंगे। मैंने आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, अब बारी आती है कि इस ब्लैक ब्लू कलर के बारे में डिटेल से आपको बताया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आप जैसे इनकी फुली ब्लैक लें या फिर ये ग्रे कलर लें या फिर आप ब्लैक ब्लू लें, इनका प्राइस सेम रहेगा 89,000 जो कि बंसादी हीरो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हीरो की सभी बाइक या स्कूटर उपलब्ध हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आप देखेंगे ब्लैक कलर ये भी है और ब्लैक कलर ये भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अब इसमें भी आपको 3D लोगो मिल रहा है और उसमें भी आपको 3D लोगो मिल रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसमें ब्लू कलर के स्टिकर मिल रहे हैं, उसमें आपको ग्रे कलर के स्टिकर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन है और जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस जो है वो प्लास्टिक का है, 3D में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सटेक लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3D लोगो जो कि मेटल का बना हुआ है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये चीज़ थोड़ी सी छोटी हो चुकी है और ये चीज़ थोड़ी सी इसकी हाइट ऊपर हो चुकी है जिससे जो पीछे बैठेंगे उनको काफ़ी आराम रहेगा। और अगर आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक स्प्लेंडर प्लस आती थी इनकी जो कि ब्लैक ब्लू कलर में आती थी जिसमें जो नाइक सा निशान बना रहता था उस आती थी, वो जो बाइक आती थी उसी को याद रखने के लिए इन्होंने ब्लैक ब्लू कलर ये निकाला है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्लैक है और यहाँ पर ये ब्लू है, जिसके ऊपर हीरो 3D में जो सिल्वर कलर से लिखा है ये थोड़ा सा ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा, लेफ्ट साइड से आप देखेंगे उधर से हो सकता है थोड़ी सी लाइट पड़ रही थी, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे हीरो का 3D लोगो और ब्लैक ब्लू कलर इसमें ये दिया गया है। और बाकी ये एक्सटेक आप देखेंगे इसमें ये फुली डिजिटल मीटर आने लगा है जिसमें आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है, ये स्विच इसमें वही है, यहाँ पर i3s की बटन इसमें आपको मिल जाती है। और इस मीटर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, जैसे रियल टाइम माइलेज इसमें आपको देखने को मिलती है, 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जिसमें आप कॉल और SMS मैसेज ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी इंजन चेक की लाइट इसमें आपको मिल जाती है यहाँ पर, और लो फ्यूल वार्निंग न्यूट्रल की, हाई i3s की, और साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच इस बाइक में आपको मिल जाती है। तो अब इसमें 4 कलर आए हैं जो कि एक फुली ब्लैक है और दूसरी ब्लैक ब्लू है और दूसरी है ब्लैक ग्रे है और तीसरी इनकी वाइट कलर की बाइक आई है जो कि अभी आई नहीं है। जैसे ही आएगी दोस्तों मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। अभी आप लोग देखें कि ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, आप अपनी राय जरूर दें। अगर मेरी व्यक्तिगत आंखों की बात की जाए कि मुझे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है तो मुझे मेरी निगाहें इस कलर पर जाकर टिक रही हैं क्योंकि ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये हो सकता है हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है कलर की। फिलहाल ये भी कलर अच्छा है, ये भी कलर अच्छा है, आपको हो सकता है ब्लू कलर अच्छा लगे या फिर फुली ब्लैक अच्छा लगे, कुछ लोगों को स्टिकर बिल्कुल ही नहीं पसंद होता है, तो ये आप लोगों की अपनी पसंद है। बाकी अगर आप देखेंगे पीछे से तो डिज़ाइन सेम ही रहेगा क्योंकि सेम बाइक हैं और इनके सीट काउल पर कहीं कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ i3s इसमें लिखा हुआ है, बाकी वही सस्पेंशन। इसमें ड्रम प्लेट इसकी चेंज कर दी गई है, 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, ट्यूबलेस टायर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं, आगे भी आपको 80/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और पीछे भी आपको 80/18 का टायर मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे 80/18 और यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूबलेस टायर और IBS ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें दोनों ब्रेक एक साथ लगती हैं, ये चीज़ें इसमें पहले से ही आ रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी इसमें आप देखेंगे पावर स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ये बाइक आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ये बाइक आ रही हैं, जो कि जिसकी वजह से इनकी माइलेज में काफ़ी फर्क पड़ा है। और रही बात इंजन की, तो इंजन इसमें से वही पहले वाला इंजन है, इंजन में कहीं कोई अंतर नहीं दिया गया और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है टॉप अप 3000 किलोमीटर, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और बाकी 97.2 CC का इंजन मिलता है जिसमें 7.91 HP की पावर मिलती है 8000 RPM पर और 8.5 Nm की टॉर्क मिलती है 6000 RPM पर। 785mm सीट हाइट है इन दोनों बाइकों की, या स्प्लेंडर कोई भी लेंगे 785mm सीट हाइट है, 165mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 112 किलोग्राम इनका वजन है और 9.8 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें लगाया गया है। 89,000 की, चाहे आप फुली ब्लैक लेंगे या फिर ये लेंगे, कोई भी बाइक आप लेंगे तो 89,000 आपको पेड करने पड़ेंगे।
ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, एक शोरूम प्राइस नहीं बता रहा हूँ। माइलेज लगभग 70-75 की अगर आप सही तरीके से चलाते हैं तो आपको इन दोनों बाइकों में मिल जाएगी। तो मैंने आपको इनकी ब्लैक, जो फुली ब्लैक आई है एक्सटेक हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। अभी ये दो कलर दिखाने थे तो मैंने सोचा इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे, कौन से कलर की बाइक आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।